हेलो डियर्स, गूगल क्लासरूम रो प्लाटफर्म माध्यम रे एवं डिजी स्किल लर्निंग प्रोग्राम इन लोकल लैंग्वेज रो वीडियो कंटेंट सीरीज माध्यम रे हमें आलोचना करूछु फ्रीलांसिंग। पूर्व वीडियो रे आलोचना करथरे फ्रीलांसिंग कोन, फ्रीलांसिंग रो सोपान कोन, एही प्रश्न उपरे हमें द्वितीय भाग आलोचना करिवा। आज रो वीडियो कंटेंट को आगा को आलोचना करय पूर्व रु एति की अनुरोध करबि जे वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करे देखंतु, फलर एठारे आलोचना कर जाउतवा जरूरी इनफॉरमेशन रही ना जीव आ बुझीबा लागि सहज होई परिबो। आशा करूची वीडियो शिक्षणीय हेबा सह इनफॉरमेशन प्रदान करिबो, तेनु एति की कहिबा को चाहिबी जे यदि वीडियो शिक्षणीय लागे, यूजफुल लागे, इनफॉरमेशन प्रदान करे, तेबे मोर ए वीडियो सीरीज को निश्चय देखंतु, मोर चैनल को सब्सक्राइब करंतु, कारण मु फ्रीलांसिंग एवं डिजी स्किल उपरे लोकल भाषा रे बा ओडिया भाषा रे वीडियो तयारी करे, तार नोटिफिकेशन जल्दी पाई पारिबे। आउ अधिक किछि आलोचना करी समय नष्ट न करी आरंभ करिबा आजिर वीडियो कंटेंट। मु हेउछे प्रोफेशनल डिजी स्किल एवं फ्रीलांसिंग गाइड। मु लोकमानंकु ओडिया भाषा रे फ्रीलांसिंग सिखाई थाए। आजिर वीडियो कंटेंट रे फ्रीलांसिंग रो सोपान गुडी को आलोचना करिबा को जाई कही परिबा, संपूर्ण फ्रीलांसिंग फील्ड को केतोटी सोपान रे आलोचना करिबा। वास्तव रे फ्रीलांसिंग क्षेत्र रे कोनोसी स्थान रे सीमा रेखा अंकन करि परिबा नहीं, कारण एहा संभव नहे। केवल अध्ययन रो सुविधा दृष्टि रु एवं फ्रीलांसिंग को बुझिबा ले केतोटी सोपान रो परिकल्पना करिथाउ, आउ सेही सोपान गुडी कहला डिजी स्किल वेबसाइट, फ्रीलांसिंग वेबसाइट, डिजिटल उपकरण, इंटरनेट, सोशल नेटवर्क, मार्केट प्लेस। वर्तमान हमें आलोचना करिबा डिजी स्किल वेबसाइट। डिजी स्किल वेबसाइट कौन हमें आलोचना करूछु फ्रीलांसिंग जहाँ कि काम करिबारो डिजिटल प्लाटफर्म, अर्थात आमे जेहेतु डिजिटल प्लाटफर्म रे काम करिबा लागि प्रस्तुत हेउछु, सेतिपाई आवश्यक डिजी स्किल रो जहाँ एक प्रकार दक्षता योग्यता जहाँ फल आम डिजिटल उपकरण गुड़िक व्यवहार करने लगी सक्षम प्रदान करी। आमे स्किल हासिल करी डिजिटल उपकरण माध्यम रे निजर कार्य संपादन करने को फ्रीलांसिंग कही था। एठारे आउ एक प्रश्न है जे वेबसाइट कौन, वेबसाइट हे इंटरनेट रे एक जगह बा स्टोर रूम जेउठारे आमे डाटा कंटेंट रूपे पोस्ट सेव एडिट अपग्रेड करिथाउ। एठारे डिजी स्किल वेबसाइट विषय आलोचना करिबा, जेउ वेबसाइट रे डिजी स्किल सिखिबा लागि वीडियो कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज आदि कंटेंट रूप से गचित हो रही थाए, जहाँ को आमे विजिट करी स्किल सिखि पारिबा। आउ सही वेबसाइट गुड़िक हला डिजी स्किल पीके, स्किल इंडिया .in, आउ एहा व्यतीत कोर्सिया .com, लर्नबर्न .com आदि। आमे देखिबा डिजी स्किल .pk वेबसाइट टी कौन, से विषय किसी आलोचना करिबा। एही वेबसाइट टी पाकिस्तान सरकार मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रो साइट अटे। एही साइट टी रेक्टर वर्चुअल यूनिवर्सिटी द्वारा परिचालित होइथै। एही वेबसाइट फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइन, वर्डप्रेस, क्रिएटिव राइटिंग, ई कॉमर्स, हॉटकार्ड, एसईओ भली स्किल मागणारे सर्टिफिकेट सहित तो सिखाई थाए। एही स्किल गुड़िक उर्दू भाषा रे वीडियो माध्यम रे उपलब्ध होइथाए। हिंदी एवं उर्दू भाषा प्राय समान होइदवारु हिंदी भाषाभाषी लोक माने मध्य एही स्किल सिखि पारिबे। एही वेबसाइट रे स्किल सिखिबा लागि हेले एही वेबसाइट रे एक यूजर आईडी एवं पासवर्ड माध्यम रे निजर यूजर अकाउंट क्रिएट करबाकु होइथाए। निजर ईमेल आईडी माध्यम रे एवं वेबसाइट एही वेबसाइट रे निजर अकाउंट खोली प्रोफाइल सेटिंग करबाकु होइथाए। एही वेबसाइट यूजर मैनुअल गाइड वीडियो कंटेंट प्रदान करथे, चाहिले से वीडियो को देखि निजर आवश्यकता अनुसार एही वेबसाइट को व्यवहार करि परिबा। एहा परे कोर्स एनरोलमेंट करी कोर्स सीखी परिबा, मुख्यतः एही वेबसाइट टी केतेटी सेक्शन विभक्त करथे, जेपरि माय कोर्स, माय प्रीवियस कोर्स, माय एक्सरसाइज, माय स्टोरी, हेल्प एंड सपोर्ट, नोटिस बोर्ड, क्विज आदि।
आमे जो कोर्स एनरोल करी अध्ययन करूँ से ही कोर्स आम माय कोर्स रे उपलब्ध हुए। जो कोर्स को आमे शेष करी थाउ से ही कोर्स माय प्रीवियस कोर्स रो सेक्शन रे रही थाए। सेपरी डिजिस्किल पीके रु जो नोटिस आम पाख को आसे ताहा आमे नोटिस बोर्ड रु जानी परिबा। कोच जो टास्क स्टूडेंट मान को दे थांति से ही टास्क एक्सरसाइज रु मिली थाए। स्टूडेंट निजर स्टोरी जोड़ा लगी माय स्टोरी सेक्शन रे जोड़ी परिबा। जदि आमे हेल्प लगी हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन रे निजर प्रश्न पचारि तार समाधान करि परिबा। एही परि आमे digiskill.pk digiskill वेबसाइट को आलोचना करि परिबा। ठीक से हीपरि स्किल इंडिया वेबसाइट को मध्य आलोचना करि परिबा। एही वेबसाइट मध्य मागणारे स्किल हिंदी भाषा भाषा रे शिखिबा को सुविधा प्रदान करथे। learnbon.com साइट रे आमे फोटोशॉप HTML वर्डप्रेस आदि अनेक स्किल कोर्स शिखिबा को मिलिथे। तापर देखिबा फ्रीलांसिंग वेबसाइट फ्रीलांसिंग वेबसाइट विषय रे किछि निम्न प्रकार आलोचना करि परिबा। फ्रीलांसिंग वेबसाइट मुख्यतः तीनोटी अंग को नै गठित। प्रथम अंगटी हैला फ्रीलांसर, द्वितीयटी हैला क्लाइंट एवं फ्रीलांस मार्केटप्लेस। आमे देखिबा फ्रीलांसर, फ्रीलांसर कहले आमे ताको बुझू जे निजर रोजगार करबा उद्देश्य रे फ्रीलांस मार्केटप्लेस रे निजर जॉब बा प्रोजेक्ट खोजि थाए एवं प्रोजेक्ट शेष करी थाए। जे निजर आवश्यकता पूरण करबा लागि निजर समाधान लागि फ्रीलांस मार्केटप्लेस रे फ्रीलांसर खोजि थाए से निजर जॉब प्रोजेक्ट पोस्ट करे से होची क्लाइंट। फ्रीलांसर प्रोजेक्ट बिडिंग करी प्रोजेक्ट ऑफर हासिल करी प्रोजेक्ट क्लोज करी प्रोजेक्ट प्राइस हासिल करी थे। फ्रीलांस मार्केटप्लेस माध्यम रे उभय फ्रीलांसर एवं क्लाइंट निजर आवश्यकता पूरण करथंती। एही मार्केटप्लेस उभय फ्रीलांसर एवं क्लाइंट मध्य रे सुसंपर्क रखे करथे। एमानक भितरे सृष्टि होतवा समस्या विवाद आदि रे विचार करथे। फ्रीलांस मार्केटप्लेस रो प्रकार, समस्त फ्रीलांस मार्केटप्लेस को दुईटी भाग विभक्त करा जाए जेपर कि ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केटप्लेस एवं नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केटप्लेस। ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केटप्लेस कौन? उत्तर रे एतिक कहि बाजे ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केटप्लेस रे क्लाइंट निजर आवश्यकता चाहिदा समस्या अनुसार निजर प्रोजेक्ट पोस्ट करि थाए एवं फ्रीलांसर एही प्रोजेक्ट उपर प्रोजेक्ट बिडिंग करी प्रोजेक्ट ऑफर नहीं प्रोजेक्ट क्लोज करी निजर लागी प्रोजेक्ट प्राइस रोजगार करे। ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केटप्लेस गुड़िक कौन कौन? उत्तर कही पारिबा ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केटप्लेस गुड़िक अपवर्क, गुरु, फ्रीलांसर आदि। नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केटप्लेस कौन? उत्तर ए प्रकार कही पारिबा उत्तर कही पारिबा मार्केटप्लेस ए प्रकार मार्केटप्लेस रे फ्रीलांसर निजर सर्विस पैक बा गिग पोस्ट करथे एवं क्लाइंट एही मार्केटप्लेस रे भ्रमण करी निजर आवश्यकता चाहिदा अनुसार सर्विस पैक किणी थे। नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केटप्लेस रो नाम होची fiverr.com। मार्केटप्लेस रे काम करबा लागि आमे एक फ्रीलांसर हिसाब रे कोन कोन काम करबा जरूरी अटे? उत्तर एहा कहि परबा फ्रीलांस मार्केटप्लेस रे प्रथमे निजर यूजर अकाउंट सृष्टि करबा को हिते तापर प्रोफाइल एवं पोर्टफोलियो सृष्टि करबा परे निजर सर्विस ऑफर करबा को हिते। फ्रीलांस मार्केटप्लेस रे एक क्लाइंट हिसाब रे कोन करबा उचित? यार उत्तर हला फ्रीलांस मार्केटप्लेस रे एक क्लाइंट हिसाब रे निजर यूजर अकाउंट सृष्टि करी अकाउंट वेरीफाई करबा को हिते। किंतु अकाउंट वेरीफाई करबा बाध्यबाधकता न होइतिबारु होइ नथाय तापर निजर जॉब बा प्रोजेक्ट पोस्ट करिथे। फ्रीलांस मार्केटप्लेस रे निजर अकाउंट खोलिबा लागि कोन कोन आवश्यक होइथाय? फ्रीलांस मार्केटप्लेस रे निजर अकाउंट दुई प्रकार उपाय रे खोलि परिबा। प्रथमटी हैला एही वेबसाइट रे साइन अप होइ यूजर आईडी एवं पासवर्ड क्रिएट करि एही अकाउंट खोलि परिबा। अन्य उपायटी हैला निजर गूगल, फेसबुक, जीमेल आदि अकाउंट माध्यम रे फ्रीलांस मार्केटप्लेस को उपयोग करि परिबा। बर्तमान देखिबा फ्रीलांसिंग वेबसाइट रो सुविधा सुजोग। फ्रीलांसिंग वेबसाइट रे जेउ केते उठी सुविधा सुजोग प्रदान करथे
ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ ପରି ୟୁଜର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ ହେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଫେସବୁକ୍, ଜିମେଲ୍ ଆଦି ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ୱେବସାଇଟ୍ର ଆଉ ଏକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେଲା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଫ୍ରିଲାନ୍ସର୍ ନିଜର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଫ୍ରିଲାନ୍ସର୍ର କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଡ଼ିଂ କରିବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଉ ଏକ ସୁବିଧା ହେଲା PMB ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେସେଜ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେସେଜ୍ ବୋର୍ଡ଼। ଏହା ଏହି ସୁବିଧା ଫଳରେ ଉଭୟ ଫ୍ରିଲାନ୍ସର୍ ଏବଂ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଲୋଚନା, ମେସେଜ୍ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସପୋର୍ଟ ଟିମ୍। ଏହି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଫଳରେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସର୍ ଏବଂ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା, ବିବାଦ ଆଦିର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। ଏହି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ୱେବସାଇଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସର୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଡିଜି ସ୍କିଲ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲେଭୁଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିସ୍ତାରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ କେବଳ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ ଏକ ମୌଳିକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ହେଉଛି ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହି ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂର ସୋପାନର ବାକି ଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତିକି କହି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛି।